दोस्तों रिसेंटली रिलीज हुई इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली NCR ने इंडिया में 5000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स ऐड किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया की स्टार्टअप कैपिटल माना जाने वाले बेंगलुरु ने सिर्फ 4514 स्टार्टअप्स लॉन्च किए। इस रिपोर्ट के रिलीज होने के साथ ही दिल्ली और बेंगलुरु के लोगों के बीच इंडिया के स्टार्टअप कैपिटल के टाइटल को लेकर एक डिबेट स्टार्ट हो गई, जहां एक तरफ दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली को उसके अचीवमेंट पे कांग्रेचुलेट किया, तो वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु की गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड इवन ऑपोजिशन लीडर्स का मानना है कि नंबर ऑफ न्यू स्टार्टअप्स किसी भी स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकते। एक्चुअल कंपैरिजन नंबर ऑफ स्टार्टअप्स लॉन्च की जगह नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स क्रिएटेड और सब्सटेंशियल शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इनफ्लो से होना चाहिए। दोस्तों इंडिया के सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस बेंगलुरु के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने आज तक 11,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स लॉन्च किए हैं। इन स्टार्टअप की वजह से टोटल $28 बिलियन की वेंचर कैपिटल का इन्फ्लो हुआ है। ये वैल्यू इंडिया में किसी भी दूसरे स्टार्टअप हब के कंपेयर्ड सबसे ज़्यादा है। इतना ही नहीं, 2014 में यूनिकॉर्न बना इनमोबी बेंगलुरु में ही स्टार्ट हुआ था। इनमोबी इंडिया का फर्स्ट $1 बिलियन+ स्टार्टअप है। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की रिपोर्ट से स्टार्ट हुए डिबेट हु इज इंडिया स्टार्टअप कैपिटल दिल्ली और बेंगलुरु पे चर्चा करेंगे। इसके साथ हम दोनों सिटीज के स्टार्टअप्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम उन रीजंस को भी समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से दिल्ली का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों दिल्ली और बेंगलुरु के स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है और ये किसी भी डेवलपिंग सिटी या कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है। किसी भी जगह के स्टार्टअप इकोसिस्टम को वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ के दौरान फॉर्म हुए हेल्पिंग ग्रुप्स की मदद से एस्टैब्लिश करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स और ये हेल्पिंग ग्रुप्स न्यू स्टार्टअप्स क्रिएट करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं। एक न्यू स्टार्टअप शुरू करने के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट और कम्युनिटी की जरूरत होती है। इस सपोर्टिव एनवायरनमेंट या कम्युनिटी को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे आइडियाज, रिसर्च, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स एट डिफरेंट स्टेजेस, बिजनेस एंजल्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस कंसल्टेंट्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, कोवर्किंग स्पेसेस, इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स, मेंटर्स और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। जब किसी सिटी का स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो करता है तो ये उस सिटी के मॉडर्न सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट और सिटी के रेजिडेंट्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करता है। दिल्ली NCR और बेंगलुरु के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने इन दोनों ही सिटीज़ के ओवरऑल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो UPSC एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। यदि हम इन दिल्ली NCR और बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फोकस करें तो डेटा से पता चलता है कि अप्रैल 2019 से 21 के बीच, जहां एक तरफ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप ने $30,721 मिलियन की फंडिंग फेच की है, जो कि इंडिया के टोटल स्टार्टअप फंडिंग का 45% है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली NCR बेस्ड स्टार्टअप ने इंडिया के स्टार्टअप फंडिंग का 30% यानी $18,669 मिलियन की फंडिंग कैप्चर की है। तो सो वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में जब कोई प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी $1 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव कर लेती है तो उसके लिए यूनिकॉर्न टर्म का यूज किया जाता है। यदि हम दिल्ली NCR और बेंगलुरु में क्रिएट हुए यूनिकॉर्न्स का कंपैरिजन करें तो इंडिया के टोटल 81 यूनिकॉर्न्स में से 34 यूनिकॉर्न्स बेंगलुरु बेस्ड हैं, तो वहीं दिल्ली NCR में इनकी संख्या 23 है। यदि 2021 की बात करें तो इंडिया ने 44 यूनिकॉर्न्स क्रिएट किए हैं, जिनमें से 17 बेंगलुरु और 11 दिल्ली NCR बेस्ड हैं। यदि अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2021 में बेंगलुरु ने 250 अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स देखे हैं, तो वहीं दिल्ली NCR में इनकी संख्या 174 है। इसमें कोई शक नहीं है कि बेंगलुरु आज भी इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम का एपिसेंटर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दिल्ली NCR और मुंबई के वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ ने सो कॉल्ड स्टार्टअप कैपिटल को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया के टॉप 3 स्टार्टअप हब्स बेंगलुरु, दिल्ली NCR और मुंबई ने अकेले 2014 से 2020 के बीच $63 बिलियन की टोटल स्टार्टअप फंडिंग में से 89% यानी $56 बिलियन कंट्रीब्यूट किया है। 2014 से 2019 तक
दिल्ली NCR और मुंबई की टोटल स्टार्टअप फंडिंग की 5 ईयर ग्रोथ रेट 23% और 27% थी, जबकि बेंगलुरु की ग्रोथ रेट सिर्फ 13% थी। दोस्तों, किसी भी सिटी को स्टार्टअप फ्रेंडली बनाने के लिए 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। पहला है एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स के बिना कोई स्टार्टअप्स क्रिएट नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी सिटी को स्टार्टअप फ्रेंडली बनाने के लिए वहाँ हाई क्वालिटी टैलेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें स्टार्टअप इकोसिस्टम की नॉलेज हो। इस हाई क्वालिटी टैलेंट या एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करते हैं उस जगह के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। इतना ही नहीं, हाई क्वालिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ साथ स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स, एंगेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड लार्जर बिजनेसेस, मेंटरिंग सेशन एंड इंस्पिरेशनल इवेंट जैसे अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्रूशियल फैक्टर फंडिंग है, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस में स्टार्टअप्स को ग्रांट्स, डेट और इक्विटी मनी के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस स्टेज में अपनी सिटीज को स्टार्टअप फ्रेंडली बनाने के लिए गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को ग्रांट स्कीम्स और लोकल बैंक या ब्रांचेस से सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करवाकर एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। किसी भी सिटी में स्टार्टअप इकोसिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स और फंडिंग के साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी इंपॉर्टेंस है, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट, ऑफिस स्पेस और क्वालिटी लिविंग इन लो रेंटल्स शामिल है। यदि हम तीनों ही फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में दिल्ली NCR और बेंगलुरु का कंपैरिजन करें तो दिल्ली NCR आज इंडिया का एजुकेशनल हब बन गया है, जो यंग जनरेशन को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। दिल्ली का सेंट स्टीफन्स कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए हाई क्वालिटी एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हैं। इसके साथ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज प्रोवाइड करते हुए दिल्ली ने कई लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, जिससे स्टार्टअप्स को यूजफुल ह्यूमन रिसोर्स ढूंढने में मदद मिली है। इतना ही नहीं, दिल्ली का वेल कनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हाईवेज और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक फैक्टर है, जिसके कारण दिल्ली NCR आज स्टार्टअप हब बन गया है। नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली में बेंगलुरु से रीजनेबल रेंट्स पर अवेलेबल अबंडेंट कमर्शियल स्पेसेस ने बडिंग एंटरप्रेन्योर्स की कॉस्ट बचाने में हेल्प की है। दूसरी ओर, इंडिपेंडेंस के टाइम से हाईटेक PSUs और गवर्नमेंट बॉडीज जैसे इसरो, HAL, IISc की वजह से बेंगलुरु ने पूरे इंडिया से टॉप साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसके कारण बेंगलुरु में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कल्चर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने में मदद की है। एक बिगर टेक्निकल वर्कफोर्स और एवरेज सिटीजन्स और बिजनेस के मच हायर टेक एडॉप्शन रेट के साथ बेंगलुरु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ई मोबिलिटी, IoT जैसे टेक इंटेंसिव फील्ड्स में इनोवेटिव स्टार्टअप्स की सुविधा के मामले में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को डोमिनेट कर रहा है। दिल्ली NCR या बेंगलुरु, दोनों में से किसी भी एक सिटी को इंडिया का स्टार्टअप कैपिटल बोलना मुश्किल है। दिल्ली NCR पावर सेंटर होने के साथ साथ डायनेमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिसकी परचेजिंग पावर और एड्रेसेबल बेस बेंगलुरु से बेटर है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम का बेंगलुरु के कंपैरिजन में 43% ज़्यादा होना इस बात का सबूत है। जहाँ एक तरफ दिल्ली NCR की पर कैपिटा इनकम $5,607 है, तो वहीं बेंगलुरु में यह आंकड़ा $3,910 है। दोस्तों, इन सब बातों से ये तो साफ है कि इंडिया के स्टार्टअप कैपिटल क्राउन के लिए बेंगलुरु का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर दिल्ली NCR है। बेंगलुरु ने जहां कई सालों तक इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लीड किया है, तो वहीं दिल्ली NCR इस रेस में आगे आने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है। पिछले कुछ सालों में लेंस कार्ड, पाइन लैब्स, डिलीवरी जैसे न्यू यूनिकॉर्न्स की ग्रोथ के साथ दिल्ली NCR ने न्यू स्टार्टअप्स की संख्या में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वैल्यूएशन के मामले में बेंगलुरु के स्टार्टअप्स अभी भी सबसे आगे हैं। यदि ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अकॉर्डिंग इंडिया में 61,400 स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 14,000 फिस्कल 2022 में लॉन्च हुए हैं। US और चाइना के बाद इंडिया के पास दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इस बात की उम्मीद की जा रही है कि यदि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिया के ओवरऑल स्टार्टअप इकोसिस्टम पे फर्दर फोकस करें, तो इससे न केवल हम अपने देश को डेवलप कर पाएंगे, बल्कि इंडियन टैलेंट्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ इंडिया ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में कामयाब होगा जो आगे चलकर ग्लोबल लेवल पे अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगी। तो दोस्तों, ये था एक कंपैरिजन दिल्ली NCR और बेंगलुरु के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेके। लेकिन आपका इसको लेके क्या पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।